हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेल का पेड़ कैसा होता है बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उनको दिखाना भी चाहूँगी और उसकी क्या बेनिफिट्स है वो भी बताएंगे। तो आइए चलिए वीडियो में अंदर। तो ये देखिए बेल का पेड़, आपको ध्यान में ये देखिए, ये बहुत पुराना पेड़ है। अपने घर में हम लोग लगाए हैं, तो पहले आपको ये दिखा दें बेल का पेड़। तो ये थोड़ा सा पुराना है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी, ये देखिए बहुत थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की हैं, बहुत बड़ी नहीं है। ये है देखिए, इसमें बेल का फल भी दिखाई दे रहा है और बहुत छोटे छोटे भी इसमें से निकल आ रहे हैं, लीव्स भी निकल आ रही हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी फ्रेश लीव्स निकल आई हैं। इस पेड़ की पत्तियाँ देखिए कितना लस ग्रीन है, इतना फ्रेश लीव्स इसकी। ये देखिए ग्रीन स्मूथ, क्योंकि इसको पेड़ को काटा गया तो ये सब नए नए डालियाँ इसकी निकली हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि बेलपत्र किसको कहते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो ये देखिए बेलपत्र, देखिए इसकी लीव्स ऐसे स्मूथ हैं, ग्रीन हैं। और एक ही देखिए, जैसे ये एक लीव्स का एक वो लेंगी तो उसमें तीन लीव्स एक साथ लगी रहेंगी, तो बेलपत्र में तीन पत्तियाँ एक साथ रहती हैं। तो इसको भगवान को भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, दिखाने हमारे। देखिए यहाँ हमारे भगवान जी हैं, शिवलिंग हैं, तो इसलिए लगा कर रखा गया है, तो हम लोग वहाँ चढ़ाते हैं, तो इसलिए बेल लगा कर रखे हैं। तो बेलपत्र सबको चढ़ाने का भी तरीका अलग होता है, कुछ लोग ऐसे पूरा पत्ती ऐसे तोड़ लेते हैं और वैसे ही चढ़ा देते हैं, तो उसका भी एक अपना तरीका होता है। आपको बेलपत्र जब तोड़ेंगी तो यहाँ से नहीं तोड़ना है, आपको यहाँ से तोड़िए, मतलब समझ पा रही होंगी आप। देखिए हमको जब बेलपत्र तोड़ना है, आपको समझा दें अच्छे से, जब हम बेलपत्र चढ़ाएँगे भगवान को तो हम ये देखिए, हम यहाँ कोने से काटेंगे, यहाँ जहाँ दो लीव्स सटी रहती हैं वहाँ से काटेंगे और तब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसका एक तरीका होता है, पंडित जी हमारे यहाँ पूजा कराने आते थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही नहीं कि कबाड़ की तरह कुछ भी भगवान को चढ़ा दिया और फटे हों, कटे हों, डिजीज़ वाले हों वो उनको नहीं चढ़ाना, साफ सुथरा और तीन पत्ती जुड़ी हुई हों, अच्छे कंडीशन में हों, तभी बेल पर चढ़ाया जाता है। तो ये तो हुई चढ़ाने वाले भगवान को, ये सब बातें हो गई, आप समझ गए कि अब जब भी आप चढ़ाएंगे तो इस तरह देख समझ के, फटे पत्ती, कट पत्ती जैसे कटी जाती हैं पत्तियाँ, देखिए कहीं हैं लीव्स कटी हुई फटी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप चढ़ाने समय। ये देखिए ये जैसे ये है, कीड़े मकोड़े खा गए, ये हैं डिजीज़ वाले, ये सब बिल्कुल नहीं चढ़ाना। आपको एकदम फ्रेश तीनों लीव्स सटी हुई हों और एकदम सुंदर तरीके से कटी हुई डंडी के साथ ना हो, तीनों एक साथ जुड़ी हों, वो चढ़ाया जाता है। और अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं। ये लीवर टॉनिक है, ये डायरिया में, हिकअप में, डिसेंट्री में काम आता है, आपको डाइजेशन में भी मदद करता है ये जो है, और आपके खून को भी साफ़ करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। और आप कहीं रास्ते में जा रही हैं, आ रही हैं, दूर कहीं आ जा रही हैं, गर्मी का मौसम में आप तुरंत बेल का शरबत पियेंगे तो आपको तुरंत ताज़गी, ठंडी और आपको एनर्जी भी आएगी आपको। तो आप कहीं भी अगर जा रहे हो गर्मी का मौसम में, तो बजाय कोल्ड ड्रिंक, थम्सअप और ये और चीज़ पीने के बजाय ये करिए कि आप बेल का शरबत पी लीजिए। जो अपने बनाया हुआ चीज़ होता है, जो प्रिजर्वेटिव, उनमें तो अंतर वैसे ही होता है, तो आप अब ध्यान रखेंगे, इससे आप दो काम कर पाएंगे, जो छोटे मोटे वेंडर्स हैं, रोज़गार वाले लोग हैं, उनको भी कुछ आमदनी हो जाएगी और साथ में आपको भी एनर्जी मिल जाएगी। और डायबिटिक के लिए, बहुत लोगों के मुंह से सुना है डायबिटिक पेशेंट इसके जो शरबत होता है उसे रोज़ पीते हैं, उनका मानना है कि ये एक वरदान के लिए हो, उन लोग के लिए एक वरदान है ये। और किडनी को भी, किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, किडनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। इसमें थायमिन और राइबोफ्लेविन पाया जाता है, जो लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा हो, लीवर हेल्थ को बूस्ट करता है। और जिसको कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहती है,
तो उसकी 3-4 पत्तियाँ तोड़ लें, उसको मिक्सी में चाहे सिलवट में जो भी आपके पास साधन हो पीसने का उसे पीस लें, और उसके बाद उसमें दही कर्ड मिला के और उसको खाएं, तो आपकी कब्ज की जो शिकायत होती है, कुछ लोग अक्सर हमेशा कब्ज ही बना रहता है, तो इसको खा लेंगे चाहे पी लेंगे, या तो पानी डाल के आप उसको थोड़ा सा और पतला बना लीजिए, चाहे स्मूदीज की तरह खा लीजिए, चाहे उसको ड्रिंक्स की तरह पी लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आपके साथ शेयर की हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे कोई गलत चीज़ तो आपको बता नहीं रही हूँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग के बिना सही वीडियो कैसे बढ़ पाऊँगी। तो मैं और आप उसे नहीं कहूँगी, किससे कहूँगी। तो चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।